नमस्कार दोस्तों, किंग्स इलेवन पंजाब और मुंबई इंडियंस के बीच पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन IES बिंद्रा स्टेडियम मोहाली में खेले गए IPL 12 के 9वें मैच को पंजाब ने 8 विकेट से जीत लिया है। मैच के दौरान लोकेश राहुल की पारी धीमी रही, लेकिन वो टीम को जिताने के लिए अहम प्लेयर भी साबित हुए। इससे पहले टॉस हारकर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरी मुंबई ने क्विंटन डीकॉक के अर्धशतक की बदौलत 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 176 रन बनाए। इसके जवाब में पंजाब ने 177 रनों के इस लक्ष्य को 18.4 ओवर में ही हासिल कर मैच को अपने नाम कर लिया। किंग्स इलेवन पंजाब और मुंबई इंडियंस के बीच खेले गए इस मैच में कृणाल पांड्या ने खेल भावना का परिचय दिया। पंजाब की पारी के 10वें ओवर में पांड्या के पास मयंक अग्रवाल को मैंकेडिंग करने का मौका था। कृणाल ने यहां ऐसा नहीं किया और खेल भावना का परिचय देते हुए उन्होंने पहले चेतावनी दी। इसके बाद मयंक अग्रवाल को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो हंसते हुए दिखे। किंग्स इलेवन पंजाब के कप्तान रविचंद्रन अश्विन ने इस सीजन के अपने पहले मुकाबले में जॉस बटलर को इसी तरह से आउट किया था। क्रिकेट के नियम के मुताबिक तो ये सही था, लेकिन उनकी काफी आलोचना हुई थी। आज अब कृणाल ने उन्हीं के टीम के बल्लेबाज को मौका दे दिया, इसी वजह से अश्विन का एक बार फिर जमकर मजाक बनाया गया। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। इस पर कमेंट जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और क्रिकेट जगत के हर ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें क्रिक7 यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।